कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य में कोरोना वायरस से मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिट्ठी लिखी है। दो पन्नों में लिखी इस चिट्ठी में उन्होंने राज्य में बिगड़ी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत के हर राज्य में कोरोना के आंकड़े बढ़त कायम किए हुए हैं, लेकिन बात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की करें तो यहाँ कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और टेस्टिंग में कमी के कारण सूबे की सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष राज्य की इस नाकामी पर अलग अलग तरीके से सवाल खड़े करता रहा है। इसी बीच एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सरकार को घेरा है। प्रियंका ने इस पत्र में लिखा है, लगता है आपकी सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना को मंत्र मानकर लो टेस्टिंग की पॉलिसी अपना रखी है। अब यूपी में एकदम से कोरोना मामलों में विस्फोट की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 2500 मामले आए और लगभग सभी महानगरों में कोरोना मामलों की बाढ़ सी आ गई है। अब तो गांव देहात भी इससे अछूते नहीं है। साफ प्रतीत होता है कि आपकी सरकार ने नो टेस्ट नो कोरोना को मंत्र मानकर कम संख्या में जांच की नीति अपना रखी है। उन्होंने कहा, अब एकदम से कोरोना मामलों के विस्फोट की स्थिति है। जब तक पारदर्शी तरीके से जांच की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी। स्थिति और भी भयावह हो सकती है। प्रियंका ने दावा किया कि क्वारंटीन केंद्रों और अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई जगह की स्थिति इतनी खराब है कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि सरकार की व्यवस्था से डर रहे हैं। इसी कारण लोग जांच के लिए सामने नहीं आ रहे। ये सरकार की बड़ी विफलता है। कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है, जिस पर अगर समय रहते लगाम न कसी गई तो कोरोना की लड़ाई विपदा में बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं, रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद हैं और कई मंत्री उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो फिर बनारस लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में अस्थायी अस्पताल क्यों नहीं खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने होम आइसोलेशन पर भी योगी सरकार को सलाह देते हुए कहा कि इसे आनन-फानन में लागू नहीं किया जा सकता। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, महोदय स्थिति गंभीर होती जा रही है। आपसे आग्रह करती हूँ कि सिर्फ प्रचार या न्यूज मैनेज करने से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने तो राज्य की बिगड़ी व्यवस्था को देखते हुए सीएम को पत्र लिखा है, लेकिन अब देखना होगा कि सीएम योगी इस पत्र का क्या जवाब देते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।